जी हाँ भाई और बहनों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस मेरा नाम है जे और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबाओ, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और गिव अवे करूं, एंड एज सून एज पॉसिबल गाइस, आइदर टुडेज वीडियो या टुमारोज की वीडियो में गाइस मैं गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाला हूं। तो गाइस पूरी की पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड इफ यू वॉन्ट अनदर गिव अवे जस्ट सब्सक्राइब। तो गाइस ये है मेरा सीक्रेट बेस, और एज अ जेरी तो गाइस मैं छुपा हुआ हूँ बेड के अंदर। मैं बेड के अंदर छुपा हूँ और भाई टॉम तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसका सारा का सारा सामान जो है चेस्ट में से चोरी कर लिया था। और भाई उसको आ गया। और वैसे उसको बिल्कुल पता नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, किसने चुराया, क्योंकि भाई वो पिछली वीडियो में गाइस पागल हो गया था, गाइस लिटरली पागल हो गया था यार। वो अभी फिर से चेस्ट के अंदर क्या कर रहा है यार, मैं देख नहीं पा रहा। गया। तो गाइस मैंने एक्चुअली आपको बोला भी था कि भाई मैं थोड़ी सी वो करूंगा, क्या नाम है, इसको फॉलो करूंगा। अबे इसको फॉलो करूंगा, अबे गिर गया। ओके वो बाहर है। अरे इससे पहले भाग ना जाए, मुझे जाना है इसके पीछे जाने। एक मिनट, वो रहा। ओके आई एम गोइंग। ये बिल्कुल उसी लोकेशन पर जा रहा है जहां पे ये पहले गया था यार। अरे मैं इतना तेज क्यों नहीं भाग पा रहा, जेरी तेज भाग यार। अरे तेज भाग। अरे यार यहाँ पे इतनी ग्रासे हैं यार, ग्रास बहुत है यार यहाँ पे। एक मिनट, यहां से निकल दो, पतली गली से निकल दो। एक मिनट, वोरा। अरे ऊपर कहां पे जा रहे हो, ये तो पहाड़ी पर जा रहे गाइस, पहले जैसे पहाड़ी पर जा रहा है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे अपना पाथवे भी नहीं बनाया यार, मुझे पानी में से स्विमिंग करके निकलना पड़ेगा। और मुझे गाइस आई एम गोना फॉलो टॉम, और देखते हैं भाई ये जाता कहां पे। एक मिनट, वहां पे रुक गया। ये कर क्या रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। निकल गया, घोड़े पे निकल गया यार। एक मिनट, ऊपर क्या है इसका, डैक क्या है। यहाँ पे एक और घोड़ा दिखा। ओ भाई इस घोड़े को लेकर उसको फॉलो करता हूँ। अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार, मैं कितना छोटा हूँ यार, घोड़े के ऊपर बैठ भी नहीं सकता यार। एक मिनट, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। चल जारी, चल घोड़े के साथ चलो। ऑलराइट गाइस आई एम लीविंग नाउ। एक मिनट, ये ओए इसने सीक्रेट पाथवे भी बनाया हुआ है, लेकिन ये जा इस तरफ था, और लेकिन ये डेजर्ट के अंदर क्यों, मतलब कि इधर इतना गोल घूम के क्यों आया, ये मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि ये गोल घूम के क्यों नहीं आया। एक मिनट टॉम, उधर मैंने अभी उसकी झलक देखी और मुझे आई थिंक इस साइड पे जाना है। तो इस घोड़े को भाई झुक झुक करके टॉम वोरा। ये तो डेजर्ट टेम्पल के सामने इसने एक मिनट काम करता हूँ, मैं इधर इस घोड़े को छोड़ता हूँ और देखते हैं, इधर दूर से देखते हैं वो कर क्या रहा है। यहाँ पे तो भाई चिकन ही है खुद सा। ओ भाई साहब, सामने इसका घोड़ा है और ये अंदर मार्केट में गया। एक मिनट, ये डेजर्ट टेम्पल में कौन सी मार्केट है। ओ ये बाहर आ रहा है फिर से। नहीं, वेलकम टू डेजर्ट ब्लैक मार्केट। यहाँ पे खरगोश, देखना ले। एक मिनट, उस साइड पे। एक मिनट, ये और घोड़े लेना चाहिए, यहाँ पे घोड़ों की दुकान है। एक मिनट, ये कौन है भाई, ए भाई तू कौन है, तेजाब कारीगर की। अबे ये लगता है इसी तेजाब वाले से भाई एनचांटिंग बुक्स लेकर आया है, रामलाल माइनर। यार इतना पैसा कहां से ला रहा है कि भाई इनसे ले रहा है क्या इनसे। ओए वोरा, अरे भाई साहब मेरे सामने से निकला और इससे देख रही। एक मिनट, डेजर्ट टेम्पल के अंदर क्या कर रहा है भाई ये। नहीं, बारह। एक मिनट गाइस, ये तो माइनर, इसने ड्रैगन हेड डायमंड वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ है भाई। ये रामलाल तो माला माल दुकानदार है यार। एक मिनट, ये कौन है, जहर। ओ भाई इसने लगता है कि इसको अभी, इसने लगता है एक और पोशन लिया इससे, ये पोशन इससे ले रहा। ओ ये रहा, मैं नीचे अब हो रहा हूँ यार, मैं उसके आगे आगे क्यों जा रहा हूँ।
रामू जाबाज, ये लगता है वेपन वाला है, रामू लोहार, हाँ ये लगता है वेपन्स बेचता है, और ये ओ हो मर्द घोड़े वाला यार ये तो, और इसने लगता है ये दो घोड़े इसी से लिए, और यहाँ पे इसने एनविल भी रखा हुआ है ताकि भाई चीजें जो हैं यहाँ पे मतलब कि ओए ये रहा मेरा, ओ भाई बच गया मैं, एक मिनट ये भाग रहा है, ये भाग रहा है फिर से भाग रहा है, मुझे मुझे वापस से जाना पड़ेगा, एक मिनट, इसने अच्छा हुआ भाई घोड़ा नोटिस नहीं किया, मेरा घोड़ा इधर ही था। मुझे लगता है कि गाइस ये घर पे होगा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सीधा इसका घोड़ा लेके घर पर भाग जाता हूँ, इसको लगेगा कि भाई ये घोड़ा इसको फॉलो करते करते आ गया, हाँ घोड़ों से प्यार वैसे बहुत होता है, हाँ तो एक काम करते हैं कि ए, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे उसकी आवाज, ओए अंदर 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 ये कहाँ जा रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ओए गया 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 गया, फिर से गया ये मुझे, ओए अब इस ये डिफरेंट डायरेक्शन में गया, लेकिन भाई उससे पहले जो ये आता है मैं इसकी सारी की सारी चीजें देख लेता हूँ कि भाई इसने क्या क्या रखा हुआ है, ये मुझे लगता है भाई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, ओके चलते देखते हैं ये क्या फरमाइशें लेकर आया, ये कौन सा, अरे इसने TNT और फ्लिंट एंड स्टील बाय किया, 64 TNT, भाई ये मेरे ऊपर बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, ये मेरे मुझे इसको पता है कि मैं इसके इसके घर के अंदर छुपा हुआ हूँ, इसको ये ऑलरेडी पता हुआ है, एक मिनट यार मुझे पता है, आई थिंक मुझे अपने सीक्रेट बेस में जाना पड़ेगा, एंड दिस सीक्रेट बेस इज द मोस्ट एडवांस सीक्रेट बेस आई हैव एवर बिल्ट, तो गाइज अभी मैं पता है अभी वेट करता हूँ कि गाइज ये टॉम आके क्या करता है यार, ये फिर से चेस्ट के अंदर क्या रखता है, कोई मैप रखता है, कोई नोट रखता है, कोई प्लान रखता है, क्या है भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है कि जैसे ही मुझे इसने देखा सारा का सारा TNT कर देगा, एंड मैं भाई बदला तो लूंगा क्योंकि इसने मेरा घर जो है वो तोड़ा था, तो गाइज मैं अब एक काम करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, अगर इसने ये सीक्रेट बेस नहीं डिस्कवर किया तो गाइज फिर मैं कुछ ना कुछ और करूंगा बड़ा प्लान, और मैं इसका घर ही तोड़ दूंगा यार, आई मीन इट गाइज, तो एक काम करते हैं, लेट्स सी इफ ही कम्स, और देखते हैं कि भाई ये और कुछ तो चेस्ट में नहीं रखता, फिर हमें लाइक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसकी प्लानिंग क्या है, ओ यार आ रहा है, ओके आ रहा है, आ गया, ये अभी तो आया था यार, ये घोड़े को लेके कहां गया, एक मिनट ये क्या कर रहा है, ओके इसने चेस्ट खोला, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ रखा या नहीं रखा, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ कि इसको तोड़ के, ओ ये देख रहा है यार खिड़की के अंदर से देख रहा है यार, ये क्या सोने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है ये, गाइस यार मैं भी क्या बनूं यार, अभी मैंने बोला कि भाई ये ओए देख रहा है यार, मैं छुप रहा हूँ यहाँ पे, मैं छुप रहा हूँ, ओबे अंडे फेंक रहा है, लगता है इसने मुझे देख लिया, अबे नहीं यार ये क्या बंदा यार, अबे सब कुछ तोड़ दिया यार इसने मेरा, भाई बाहर निकाल दिया यार मुझे इसने, बाहर निकाल दिया यार, सही में यार इसने बाहर निकाल दिया यार, भागो यार, ये यार पागल है यार, इसने मेरा सीक्रेट बेस ही तोड़ दिया यार, अब मैं इसके ऊपर कैसे प्लानिंग करूंगा और छुपूंगा यार, यार इसको मुझे कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, अब मुझे कहीं ना कहीं, एक मिनट इधर छुप जाता हूँ, एक मिनट इस साइड तो नहीं आया, अभी भी अंडे फेंक रहा है, एक मिनट तिजो आ सुरंग के अंदर, लेकिन मैं पता है एक काम करता हूँ, मेरे पास एक खतरनाक आइडिया, तो मैं यहाँ पर आके ऐसे छुप जाता हूँ भाई दीवार के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो ढूंढ नहीं पाएगा, तो गाइज आई थिंक ही इज गॉन, ओ यार चला गया, लेकिन गया तो गया कहाँ पे, आई थिंक मुझे लगता है फिर से वो वहीं पर ही गया होगा क्योंकि दरवाजे की आवाज़ तो नहीं आई, तो गाइस मेरा सीक्रेट बेस तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इसके ऊपर साजिश बहुत खतरनाक प्लानिंग करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये TNT लेकर आया और ये मुझे ब्लास्ट करने वाला है, लेकिन सिंस गाइस वो पता सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई उसने समझ लो कि भाई उसको पता ही चल गया क्योंकि इस बेड में कुछ गड़बड़ है और इट्स नॉट द सेम, लेकिन गाइस मैं आज पता है अपने इस डायमंड बेस के अंदर मैं एक क्या नाम है बेस बनाने वाला हूँ इस डायमंड ब्लॉक के अंदर, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं डायमंड ब्लॉक के अंदर एज यू कैन सी एंड एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, तो अभी काम करते हैं कि यहाँ पे अपना छोटा सा मामूली सा बेड बनाना है, हमने बस खाली मामूली सा बेड बनाना है, ये लो ये हो गया, ये एक
अबे यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, मुझे किंग साइज बेड नहीं चाहिए, मुझे किंग साइज बेड नहीं चाहिए एंड आई थिंक दैट्स ऑल। तो अबे काम करते हैं इसके ऊपर खाली सिंपल सी वूल, क्योंकि भाई डायमंड ब्लॉक यार उसको चाहिए होगा उस टाइम जब उसके पास कोई बाइंग के खर्चे नहीं होंगे। तो भाई इस डायमंड को ब्रेक करके भाई वो लेकर जाएगा एज अ सेविंग, क्योंकि भाई डायमंड इज सेविंग, और उसके बाद भाई वो क्या नाम है बाइंग करेगा। तो एक काम करते हैं कि अभी मैं ये वूल लगा के भाई अपने लिए तकिया बना देता हूँ, ये लो हो गया, और उसके बाद मैं मुझे और कुछ नहीं करना एंड एक्चुअली आई विल जस्ट मेक अ लिटल विंडो। ये मैंने कुछ गलत हो गया, अबे ये क्या है भाई, यहाँ पे तो टॉर्चेस है, अच्छा इस साइड पे ओ यस, इतनी बड़ी विंडो नहीं बनाते भाई, एक काम करते, ये लो चार ब्लॉक्स की विंडो हो गई एंड ऑल आई एम गोना डू नाउ इज जस्ट पाए। तो गाइज देखते हैं कि वो क्या करता है, अगर उसने कोई ना कोई गड़बड़ करी तो गाइज मैं इसका हाउस ही पूरा का पूरा ब्लो कर दूंगा यार। ऑलराइट, तो गाइज मैं अभी देख, ओए आ गया अभी यार, ये चिकन को सर पे बिठा के आता है यार, ये इसको चिकन के साथ क्या मतलब कि क्या लव आ चुका है इसका किचन के चिकन के साथ। ओके तो गाइज आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, तो ये अभी आ रहा है और ये क्या भागेगा, क्या करेगा, सोएगा, नए बेड लगाएगा, ये नए बेड लेकर आया मुझे नहीं पता यार। ओए इसने नया बेड लगाया गाइस, ये गया नहीं अभी तक। एक मिनट, ये लो, अबे यार अब मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये लो गाइस मैं बाहर निकल गया, नया बेड लगा लिया। लेकिन चलो देखते हैं गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर इसमें से कुछ ना कुछ वॉर वाला निकला ना, सही में मैं इसके घर के अंदर पूरे TNT लगा दूंगा। रेडस्टोन, TNT, प्रेशर प्लेट, ट्रिप वायर हुक, 12 स्ट्रिंग, इसने तो भाई ओपन में इसने साबित कर दिया कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी साजिश कर रहा है यार, ये पूरे के पूरे विलेज को क्या डिस्ट्रॉय करना चाहता है भाई, 100 TNT लेकर आया मेरे सामने, 100 TNT। तो गाइज अगर इस वीडियो पर गाइज 15,000 लाइक आए, आई विल सीरियसली डिस्ट्रॉय हिज इंटायर हाउस, मैं कह रहा हूँ। एंड आई थिंक गाइज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।